आयुर्वेदिक दवाई से बीपी शुगर दूर होने का झांसा देकर महिला से 62,000 की हुई ठगी। दो आरोपी हुए गिरफ्तार, खुद की जड़ी बूटी की फर्म बताई, दूसरे दिन दवाई पहुंचाने का झांसा दिया। कुसमुंडा में दो ठगों ने पहुंचकर एक महिला को आयुर्वेदिक दवाई से बीपी शुगर दूर होने के बहाने ऑर्डर लेकर 62,000 रुपए की ठगी की। दूसरे दिन दवाई नहीं मिली तो महिला ने रिपोर्ट लिखाई। कुसमुंडा थाना क्षेत्र निवासी बेनेडिक्ट तिर्की बीपी शुगर से ग्रसित हैं। शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे बाइक में सवार दो युवक महिला के घर पहुंचे, जहां उन्होंने रायगढ़ में खुद की जड़ी बूटी का फॉर्म होना बताया, जिससे बनने वाली आयुर्वेदिक दवाई से बीपी शुगर ठीक होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ये अपनी इस आयुर्वेदिक दवाई का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महिला ने उनके कहने पर 60,000 रुपए नकद और 2,000 रुपए ऑनलाइन अदा किए। दोनों युवक दूसरे दिन दवाई उपलब्ध कराने की बात कहकर वहां से चले गए। ठगी का संदेह होने पर महिला ने कुसमुंडा थाना पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। महिला से मिले मोबाइल नंबर के जरिए साइबर सेल ने आरोपियों की लोकेशन पता की, जिसमें उनका लोकेशन सीतामढ़ी रोड पर मिली, जहां एक होटल में वे छिपकर ठहरे थे। पुलिस टीम ने वहां छापा मारकर दोनों आरोपी तिलदा नेवरा निवासी अभिलाष पोर्ते और आकाश नेताम को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 60,000 रुपए सहित दवाइयों से भरा बैग, बाइक व मोबाइल मिला। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।